हेलो बच्चों, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न रिव्यू पाइथन. ओके, अबाउट पाइथन वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर 6, इंट्रोडक्शन. सो पाइथन इज अ जनरल पर्पस इंटरप्रेटेड इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट वाज क्रिएटेड बाय ज्यूडो वैन रॉन्सम ड्यूरिंग 1985-1990. Like Perl, Python source code is also available under the GNU, like GNU and General Public License, GPL. And this tutorial gives enough understanding on Python programming language to you. So Python is a high-level language, interpreted, interactive, and object-oriented scripting language. Python is designed to be highly readable and it uses English keyword frequently, whereas other languages using punctuations and it has fewer syntactical constructions than other languages. So here English language, Python or English बहुत ज़्यादा similar है बच्चों. जैसे Python में अगर आपको कुछ भी print करना है तो आप print keyword का use करते हो, और English में print का मतलब होता है अगर हमें कुछ print करना है, किसी की copy निकालनी है, ठीक है. अगर आपको input लेना है users तो आप input keyword का use करोगे. ओके, सो इनपुट का मतलब होता है कुछ टू टेक इन, कुछ लेना, राइट, उस तरीके से. सो पाइथन में जो कीवर्ड्स यूज होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में लैंग्वेज से ही लिए गए हैं, उनका मीनिंग भी काफी सेम है. सो ये इजी टू अंडरस्टैंड होता है, आप इजीली उसे समझ सकते हो. अगर आपको पहले से लैंग्वेज नहीं आती है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है तो भी आप पाइथन को इजीली ऑप्ट कर सकते हो. एंड पाइथन इज अ मस्ट फॉर स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स टू बिकम अ ग्रेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, स्पेशली व्हेन दे आर वर्किंग इन वेब डेवलपमेंट डोमेन. ठीक है, ये स्टूडेंट्स के लिए भी मस्ट है और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी. टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ग्रेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर इफ यू वांट टू बिकम, देन पाइथन इज फॉर यू. ओके, एंड स्पेशली वर्किंग इन वेब डेवलपमेंट डोमेन इज. देन दीज आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ पाइथन. इजी टू लर्न, पाइथन हैज कीवर्ड्स, सिंपल स्ट्रक्चर एंड अ क्लियरली डिफाइंड सिंटैक्स इन, एंड दिस अलाउज यू द स्टूडेंट्स टू पिक अप द लैंग्वेज क्विकली. सिंपल फ्यू कीवर्ड्स है, सिंपल स्ट्रक्चर है, क्लियरली डिफाइंड सिंटेक्स है. ठीक है, क्लियर आपको डिफाइन किया हुआ है सिंटेक्स, और ये स्टूडेंट्स को इजीली पिकअप लैंग्वेज भी है. इजी टू लर्न इस तरह भी है कि ये इंग्लिश कीवर्ड्स के जो कीवर्ड्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के सिमिलर है और मीनिंग भी सिमिलर है, सो हम इजीली रिलेट कर सकते हैं, हमें अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है. इजी टू रीड एज वेल, पाइथन कोड इज मोर क्लियरली डिफाइंड एंड विजिबल टू द आईज. क्लियरली डिफाइंड है और क्लियरली विजिबल होते हैं आईज के लिए भी, हम आराम से उन्हें पढ़ सकते हैं. कुछ अदर लैंग्वेजेस में बच्चों जो कीवर्ड्स होते हैं वो इजीली रीडेबल नहीं होते, पर पाइथन में ऐसा नहीं है. इजी टू मेंटेन, पाइथन सोर्स कोड इज फेयरली इजी टू मेंटेन, आप आराम से उसे मेंटेन कर सकते हो. आप ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, पाइथन बल्क ऑफ द लाइब्रेरी इज वेरी पोर्टेबल एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबल ऑन यूनिक्स, विंडोज एंड Macintosh. Interactive mode. Python has support for an interactive mode which allows interactive testing and debugging of snippets of code. इसमें support होता है interactive mode का, जो allow करता है interactive testing, ठीक है, and debugging भी code के लिए. Then it is portable as well. So Python can run on a wide variety of hardware platforms and has the same infrastructure on all platforms. रन हो सकता है ये इजीली वाइड वैरायटी ऑफ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे, और इसका जो इंटरफेस है वो सारे प्लेटफॉर्म पे सिमिलर ही रहता है. एक्सटेंडेबल, यू कैन ऐड लो लेवल मॉड्यूल्स टू द पाइथन इंटरप्रेटर एंड दीज मॉड्यूल्स अनेबल प्रोग्रामर टू ऐड टू और कस्टमाइज देयर टूल्स टू बी मोर एफिशिएंट. ठीक है, तो ये क्या करेगा, लो लेवल मॉड्यूल्स को ऐड कर सकता है पाइथन इंटरप्रेटर में. देन दीज मॉड्यूल्स अनेबल प्रोग्रामर to add, to customize their tools efficiently. Then we have databases. Python provide interfaces to all major commercial database. ये interfaces provide करते हैं सारे major commercial databases के लिए. Then we have GUI programming, graphical user interface. GUI stand for graphical user interface, and Python support GUI application that can be created and ported to many system calls. Libraries and Windows system such as Windows, MFC,
Macintosh and the X Windows system of Unix as well. Then we have scalable. Python provide a better structure and support for large program than shell scripting. Okay, so ye scalable bhi hai. So these are the features of Python. Next, Python basic syntax. So Python language has many similarities to Perl, C and Java. However, there are some differences also between these languages. And first, Python program. Let us execute Python in different modes of program, interactive mode programming, and we are going to invoking the interpreter without passing a script file as a parameter, bring up the following prompt. So we are going to type the text at the Python prompt and press the enter. So हमने print लिखा, अगर हमें कुछ भी print करना होता है तो सबसे पहले हम print लिखते हैं, उसके बाद bracket में double quotation mark के अंदर हम जो भी आपको message print करना है as it is, तो आप वो double quotation mark के अंदर लिखते हो, okay? And then आप enter print करोगे तो output आ जाएगा hello world, क्योंकि हमने वो double quotation mark के अंदर लिखा है, so जो भी आप double quotation mark के अंदर लिखते हो वो as it is print हो जाता है, okay? So this is a basic syntax. अब यहाँ पे देखो, अगर आपको कुछ भी प्रिंट करना है, प्रिंट लिखोगे ब्रैकेट डबल क्वोटेशन मार्क हेलो एवरीवन, सो हेलो एवरीवन एज इट इज आ जाएगा जब आप यहाँ पे इसको रन करोगे, इस पर्टिकुलर कोड को रन करोगे. अब सेकंड वाला कोड देखो, यहाँ पे हमने दो वेरिएबल इनिशियलाइज करे, एक्स वेरिएबल एज 8, वाई वेरिएबल एज 3. जेड की वैल्यू हमने एक्स माइनस वाई ली, ए की वैल्यू एक्स प्लस वाई, बी की एक्स इंटू वाई एंड सी की एक्स बाय वाई. सो हम ये कह सकते हैं हम यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं, राइट? प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिविजन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं. उसके बाद हमने क्या किया, हमने प्रिंट ए बी सी और जेड कर दिया, ए बी सी और जेड, ठीक है? सो ए में क्या आएगा, एक्स और वाई का सम आएगा विच इज 11, बी में क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा विच इज 24, सी में स्लैश है, स्लैश मतलब डिविजन, डिवाइड करोगे x को y से, so the answer will be 2.666 like this. After that, z में क्या आएगा, इन दोनों का difference, which is 5. So इस तरीके से आपका output display हो जाएगा. Now working modes of Python. So there are two modes. ठीक है, Python में दो modes होते हैं, interactive mode and script mode. Interactive mode, in this mode the interpreter execute the statements one by one. After the first statement is executed successfully, it moves to the next statement giving the output instantaneously. तो इसमें क्या होता है, line by line interactive mode में work करता है, लेकिन इसमें ना छोटे codes होते हैं, like दो तीन line का code है तभी आप interactive mode use करते हो. अगर आपका code बड़ा है तो आप script mode use करते हो. script mode use करने के लिए आपको new file open करनी पड़ती है, या फिर आप online compiler use कर रहे हो तो उसमें ज़्यादा लाइन आपको यूज़ करनी पड़ती है। इंटरैक्टिव मोड, पाइथन डज नॉट ऑटोमेटिकली डिस्प्ले रिजल्ट्स, यू यूज इंटरैक्टिव मोड इज कंप्रेस्ड बिटवीन द स्टेटमेंट्स एंड इज नॉट सुटेबल फॉर टाइपिंग लेंथी प्रोग्राम्स, ठीक है? सो टू राइट लेंथी प्रोग्राम्स यू कैन यूज द स्क्रिप्ट मोड इन विच यू जस्ट क्रिएट एंड एडिट प्रोग्राम, ठीक है? सेम थिंग जो मैंने अभी एक्सप्लेन करी वही चीज यहाँ पे रिटर्न है, ओके? वेरिएबल्स इन पाइथन. तो बच्चों वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, आप मैथ्स में भी यूज करते होंगे, राइट? सो वेरिएबल्स लाइक कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज एंड पाइथन हैज नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल्स, ठीक है? अलग से आपको ये नहीं बताना पड़ता कि आपके वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, बस आप वहां पे लिखोगे और उसको यूज कर सकते हो डायरेक्टली. अ वेरिएबल इज क्रिएटेड द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन अ वैल्यू टू इट. Variables do not need to be declared with any particular type. Any particular type, जैसे integer है तो int लिखने की जरूरत नहीं है, string है तो str लिखने की जरूरत नहीं है, and can even change type after they have been set. A variable can have a short name हो सकता है x, y, जितना भी आपको देना है, और descriptive name भी, जैसे कि आप name input करा रहे हो, ठीक है? तो आप नेम वेरिएबल ले सकते हो, एज इनपुट करा रहे हो तो एज वेरिएबल ले सकते हो, तो वो आपके लिए ही कन्वीनियंट रहता है, आपको याद नहीं रखना पड़ता कि किस वेरिएबल में क्या है, ठीक है? सो वेरिएबल्स का नाम रखने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है? अ वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर ऑफ द अंडरस्कोर कैरेक्टर, ठीक है? या तो एक लेटर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर कैरेक्टर से स्टार्ट होगा, ठीक है? दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए.
अंडरस्कोर के अलावा कोई भी दूसरा स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं होता. सो अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर्स. ए टू जेड कैपिटल लेटर्स यूज करो, स्मॉल लेटर्स यूज करो, 0 to 9 और अंडरस्कोर. देन वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव. ठीक है, केस सेंसिटिव का मतलब बच्चों क्या होता है कि कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर दोनों डिफरेंटली ट्रीट होते हैं, सिमिलर नहीं होते. अगर जैसे मैंने यहाँ पे एज स्मॉल में लिखा तो ये एक अलग वेरिएबल होगा, और मैंने एज कैपिटल में लिखा ये एक अलग वेरिएबल. ठीक है, तो ये वेरिएबल्स होते हैं इन पाइथन. देखो अब कैसे क्रिएट करेंगे. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेडमास्टर, तो एक वेरिएबल हो गया, उसके अंदर आपको जो भी वैल्यू देनी है. अब ये मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल दे दिया डबल क्वोटेशन मार्क. जब मैं प्रिंट हेडमास्टर करूंगी तो ये सेम वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. ठीक है, बट यहाँ पे क्या है बच्चों, ब्रैकेट्स में आपको वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा, बस डबल क्वोटेशन मार्क यूज करने की जरूरत नहीं होती. तो ये क्या करेगा, जो भी आपके वेरिएबल के अंदर वैल्यू होगी ना वो प्रिंट होगी, ना कि वो चीज. अगर आपको सेम चीज प्रिंट करनी है देन यू आर गोइंग टू यूज डबल क्वोटेशन मार्क. सेम चीज चाहिए डबल क्वोटेशन मार्क यूज करोगे. अगर उस वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए, वेरिएबल के अंदर की वैल्यू चाहिए, सो आपको डबल क्वोटेशन मार्क यूज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट नाम लिखोगे आप वेरिएबल का. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 3, और यहाँ पे अगर हम प्रिंट x कर देंगे तो 1 आ जाएगा, प्रिंट y कर देंगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि तो उनके अंदर ये वैल्यू स्टोर है. देन डेटा टाइप, पाइथन हैज मैनी नेटिव डेटा टाइप्स. बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं. डेटा टाइप्स का मतलब है कि किस तरह की वैल्यू पे आप वर्क कर रहे हो. जैसे बूलियंस है, बूलियन में बच्चों क्या होता है, कोई कंडीशन दे देते हैं हम, उस कंडीशन अगर वो कंडीशन सही है तो ट्रू आता है, अगर कंडीशन सही नहीं है तो फॉल्स आता है. उसके बाद नंबर्स, नंबर कैन बी इंटीजर्स, फ्लोट, फ्रैक्शंस और इवन कॉम्प्लेक्स वन. इंटीजर नंबर पे वर्क कर रहे हो तो इंट आएगा, फ्लोट पे वर्क कर रहे हो जैसे डेसिमल वाले हो गए 1.1, 1.2 तो फ्लोट आएगा. ठीक है, देन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आर सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स दैट इज एचटीएमएल डॉक्यूमेंट. देन वी हैव बाइट्स एंड बाइट्स एरे दैट इज आर जेपीईजी इमेज फाइल हो सकती है. देन वी हैव लिस्ट, लिस्ट आर ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ वैल्यू. ठीक है, लिस्ट क्या होती है बच्चों, दीज आर सेपरेटेड बाय कॉमास एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स आर यूज्ड टू क्रिएट अ लिस्ट. देन टपल्स, टपल्स आर ऑर्डर्ड इम्यूटेबल सीक्वेंसेस ऑफ वैल्यू. ऑर्डर्ड होते हैं एंड इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज भी होते हैं. देन सेट, सेट्स आर अनऑर्डर्ड बैग ऑफ वैल्यूज. अनऑर्डर्ड होते हैं ये, वैल्यूज से ही बने होते हैं. ठीक है, एलिमेंट्स बोल सकते हैं या वैल्यूज. आफ्टर दैट देयर इज अ वेरिएबल स्ट्रिंग. सो स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए आप डबल क्वोटेशन मार्क यूज करते हो. स्ट्रिंग इंटीजर्स के लिए जैसे कोई भी नंबर डायरेक्टली 42, 31. फ्लोट, फ्लोट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो होते हैं जो डेसिमल नंबर्स कंटेन करते हैं 3.14, 2.15. ठीक है, देन लिस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट में डबल क्वोटेशन मार्क के अंदर. ठीक है, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग्स बना रखी हैं, तो यहाँ पे 4 स्ट्रिंग्स हैं. लिस्ट मतलब किसी का लाइक कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन है. सो पाइथन कैन टेल अस टाइप्स यूजिंग द टाइप फंक्शन. ठीक है, प्रिंट टाइप ब्रैकेट डबल क्वोटेशन मार्क. अब मैंने यहाँ पे डबल क्वोटेशन मार्क यूज किया तो ये स्ट्रिंग बन गया. सो टाइप str, str स्टैंड फॉर स्ट्रिंग हियर. देन अब हम यूज कैसे करते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं. तो जैसे बच्चों आप इनपुट के थ्रू इनपुट ले रहे हो. ठीक है, ब्रैकेट डबल क्वोटेशन मार्क में आपने मैसेज लिखा एंटर द नेम ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स. ठीक है, अब ये जो है ना एक नंबर है तो मुझे ये इंटीजर में चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इनपुट से पहले इंट लिख दूंगी और ब्रैकेट लगा दूंगी. तो ये क्या करेगा, जो भी आपका इनपुट होगा उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा. वरना बाय डिफॉल्ट ईच इनपुट टेकन बाय द पाइथन इज ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग. बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होता है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, इंट लिख दोगे वो कन्वर्ट हो जाएगा. तो उसके बाद मैंने ए एक्स माइनस वाई किया, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पे 12 एंटर किए मैंने और नीचे 25 की, सो एक्स माइनस वाई इज -30. द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू, इसलिए एज इट इज आया क्योंकि मैंने वो डबल क्वोटेशन मार्क में यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है. उसके बाद कॉमा लगेगा बच्चों सेपरेट करने के लिए. ठीक है, तो इस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हो. अगर फ्लोट में करना है, डेसिमल नंबर में करना है, तो फ्लोट लिखोगे. नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज. पाइथन डिवाइड द ऑपरेटर्स इन ग्रुप.
ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स हैं, अर्थमेटिक, स्ट्रिंग, असाइनमेंट, लॉजिकल एंड रिलेशन। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके के ऑपरेटर्स हैं। पहला ऑपरेटर पढ़ते हैं, अर्थमैटिक ऑपरेटर। अर्थमैटिक ऑपरेटर्स आर यूज विथ न्यूमेरिक वैल्यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है वो अर्थमैटिक ऑपरेटर्स के अंदर आती है। जैसे प्लस है तो एडिशन के लिए होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स प्लस वाई। माइनस है सब्ट्रैक्शन के लिए यूज हो रहा है, एक्स माइनस वाई। एस्ट्रिक साइन मल्टीप्लीकेशन के लिए, सो एक्स इंटू वाई। स्लैश डिविजन के लिए, एक्स स्लैश वाई। मॉडुलस होता है रिमाइंडर के लिए, बच्चों परसेंटेज साइन को बोलते हैं मॉडुलस, और ये रिमाइंडर के लिए यूज होता है, एक्स मॉडुलस वाई। डबल एस्ट्रिक साइन पावर्स के लिए यूज होता है, एक्सपोनेंट्स के लिए यूज होता है ये। एक्स डबल एक्स वाई मैंने लिखा तो एक्स की पावर टू, एक्स की पावर वाई माना जाएगा। डबल स्लैश ये होता है फ्लोर डिवीजन, जैसे कि आपने कुछ भी डिवाइड किया, अब आपको सिर्फ वो इंटीजर पार्ट तक चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने 5/2 किया, तो ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 5 2s करोगे तो 4 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, राइट। तो मॉडुलस से रिमाइंडर निकाल सकते हो, और फ्लोर डिविजन से, डिविजन सिर्फ आप इंटीजर पार्ट तक करते हो, डॉट नहीं लगाते, डेसिमल यूज नहीं करते। ठीक है, देन पाइथन असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन वैल्यूज टू अ वेरिएबल, जो भी आपको वैल्यू असाइन करनी है। तो आप इक्वल साइन के थ्रू वैल्यू असाइन कर सकते हो, एक्स इक्वल टू 5, सो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 5 आपको असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो ऑपरेटर्स, एक्स मैंने 10 लिया, वाई 3 लिया, तो इन दोनों की वैल्यू असाइन कर दी, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हुआ। उसके बाद मैंने जेड में किया एक्स माइनस वाई, ए में एक्स प्लस वाई, बी में एक्स इंटू वाई, और सी में एक्स स्लैश वाई। तो दीज आर द अर्थमैटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, सो आप इनकी वैल्यू प्रिंट कर सकते हो और आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। देन रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर कोई भी रिलेशनशिप शो करने के लिए यूज होते हैं बिटवीन टू ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स बोल लो या फिर वैल्यूज बोल लो या फिर वेरिएबल्स बोल सकते हो। ठीक है, डबल इक्वल साइन, डबल इक्वल साइन यूज होता है इक्वल करने के लिए। मतलब वाई, क्या वाई की वैल्यू एक्स के इक्वल है, इन दोनों की वैल्यू अगर इक्वल होगी तो आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज नहीं। नॉट इक्वल, एक्स की वैल्यू क्या वाई की इक्वल नहीं है, जब आपको नॉट इक्वल की कंडीशन यूज करनी होती है। सो एक्स डजन इक्वल्स टू वाई। ग्रेटर देन, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अगर एक्स की वैल्यू बड़ी चाहिए आपको वाई से, या किसी भी वेरिएबल की, तब लेस देन, दिस इज लेस देन, सो एक्स लेस देन वाई इफ यू वॉन्ट टू चेक। अब यहाँ पे है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो बच्चों यहाँ पे दो कंडीशन होती है, ग्रेटर देन भी हो या इक्वल्स टू भी हो। तो एक्स की वैल्यू या तो बड़ी हो सकती है या इक्वल भी हो सकती है, तब ये वैल्यू आपकी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, दोनों, और दोनों में से कोई भी, ठीक है, या तो बड़ी हो या इक्वल हो, तो ये आपकी वैल्यू ट्रू मानी चाहिए। देन लेस देन इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू वाई है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर छोटी होगी या इक्वल भी होगी वाई से, तो ये आपकी लास्ट कंडीशन भी ट्रू मानी जाएगी। नेक्स्ट, पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर यूज टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अगर आपको एक से ज्यादा कंडीशन लगानी है तो लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करोगे। पहला है एंड, रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगर आपके पास दो कंडीशन है और आपको चाहिए दोनों ही कंडीशन आपके ट्रू होनी चाहिए, तो आप एंड ऑपरेटर का यूज करोगे। जैसे एक्स लेस देन 5 एंड एक्स लेस देन 10, तो दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी आपका ये वाली स्टेटमेंट ट्रू मानी चाहिए। और रिटर्न ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। और का मतलब होता है बच्चों, अगर आपके पास दो कंडीशन है और आपको कोई भी एक कंडीशन सही होगी तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सो उस कंडीशन में क्या करोगे आप, और लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करोगे। देन नॉट, रिवर्स द रिजल्ट। ये क्या करेगा, रिवर्स कर देगा रिजल्ट को। अगर रिजल्ट आ रहा होगा ट्रू तो ये फॉल्स कर देगा, फॉल्स आ रहा होगा तो ट्रू कर देगा। मैंने यहाँ पे नॉट लगा दिया, ठीक है, और मैं इसके अंदर चेक कर रही हूँ कि एक्स की वैल्यू है तो 5 से कम हो, एंड एक्स की वैल्यू 10 से भी कम हो। एंड लगाया है तो दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए। अगर इन दोनों कंडीशन सही हो गई और यहाँ पे नॉट है, तो ट्रू, पहले तो ट्रू बनेगा फिर ये नॉट की वजह से फॉल्स बन जाएगा, और अगर अंदर ट्रू फॉल्स बनता है तो नॉट की वजह से ट्रू बन जाएगा। तो नॉट क्या करता है, रिवर्स कर देता है, नगेट कर देता है आपके रिजल्ट। ठीक है, तो ये है आपके लॉजिकल ऑपरेटर। देन पाइथन कमेंट्स।
सो कमेंट्स कैन बी यूज टू एक्सप्लेन पाइथन कोड्स. कमेंट यूजर की कन्वीनियंस के लिए होता है बच्चों. जैसे आपने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया, क्यों किया वो वेरिएबल डिक्लेयर, या वो आपने स्टेटमेंट ही क्यों यूज करी, तो आपको बाद में याद नहीं रहेगा, तो आप क्या करोगे, कमेंट लिख के छोड़ दोगे. सो कमेंट कैन बी यूज टू मेक द कोड मोर रीडेबल. कमेंट्स कैन बी यूज टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग कोड. कमेंट स्टार्ट विद द हैशटैग. पाइथन में इग्नोर देम, ये एग्जीक्यूट नहीं होती, पाइथन इनको इग्नोर कर देता है, ये आपको आउटपुट स्क्रीन पे नहीं डिस्प्ले दिखाई देगा. ठीक है, ये यूजर की कन्वीनियंस के लिए होता है. जैसे ही आपको अपना कोड किसी को एक्सप्लेन करना है या सेंड करना है, या फिर मैंने ही आपसे असाइनमेंट मांगा, तो आप क्या करते हो, कमेंट लिख देते हो कि ये वेरिएबल मैंने किस लिए असाइन किया, इस स्टेटमेंट से क्या हो रहा है. देन वी हैव कमेंट्स. कमेंट्स कैन बी प्लेस एट द एंड ऑफ द लाइन एंड पाइथन विल इग्नोर द रेस्ट ऑफ द लाइन. ठीक है, फॉर मल्टी लाइन कमेंट्स एंड अ डेलिमिनेटर. सो ट्रिपल कोटेशन मार्क्स यूज होते हैं. अगर बहुत सारे आपको कमेंट्स साथ में देना है, या कुछ डिफाइन कर रहे हो कि ये किस तरह हो रहा है, क्या हो रहा है, सो आप मल्टी लाइन डेलिमिनेटर यूज करोगे. ठीक है, बिगनिंग में भी और एंड में भी ट्रिपल कोटेशन मार्क यूज होंगे. देन टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, सिक्वेंशियल, कंडीशनल एंड इटरेटिव. सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन इज वेन स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर in order you don't need to do anything more for this happen. ek ke baad ek sequence mein cheeze jaati hain. uske baad aata hai conditional. conditional kya karte hain, use hote hain decisions ke liye, branching, choosing between two or more alternative path. theek hai, jaise aapke paas ek se zyada condition hai aur aapko unke beech mein you have to choose something, so aap kya karoge, conditions use karoge, if else switch. then you have iterative. so ye use hota hai loop ke liye, looping ke liye, that is repeating a piece of code multiple times in a row. jab aap same cheez bachcho bar bar karte ho, ab hum wahi cheez bar bar kyu likhe, hum apna time save karenge, to hum kya karte hain, loops ka use karte hain ek hi cheez ko repeat karne ke liye, iterative karne ke liye. while loop, do while loop and for loop are going to be used there. theek hai, ye teen tarike ke loop hai jo hum use karte. So these are the description, if a statement, and if a statement consists of a boolean expression followed by one or more statement, if else, if a statement can be followed by an optional else statement which execute when the boolean expression is false. if में एक ही condition होगी, वो सही होगी या गलत होगी. if else में बच्चों दो हो जाती हैं, और इसमें else जो होता है ना, वो if का ही opposite माना जाता है. ठीक है, nested if statement. You can use if or else if statement inside another if or else if statement. ये nested मतलब if के भी अंदर condition लगानी है. जैसे कि मैंने कहा if x की value 10 से बड़ी हो, उसके अंदर मेरे को चाहिए कि x की value 5 से भी बड़ी हो, या फिर मैं चाहती हूँ if x की value 10 से बड़ी हो और वो negative में भी ना हो, तो मतलब 0 से बड़ी हो. तो condition के अंदर condition लगानी है, तो nested use करते हो. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, मैंने एज पता करनी है कि एज मैंने यहाँ पे ली, एंटर करा एक नंबर, उसे एज वेरिएबल में यूज किया और उसको मैंने मॉडुलस टू किया. मॉडुलस टू मतलब रिमाइंडर, टू से डिवाइड करके क्या जीरो रिमाइंडर आ रहा है. अगर जीरो रिमाइंडर आ रहा है तो आएगा द नंबर एज इज इवन, अदरवाइज प्रिंट होगा थैंक यू. ठीक है, थैंक यू तो प्रिंट होगा क्योंकि इसके अंदर नहीं है, पर अगर वो जीरो के इक्वल आएगा तो इज इवन प्रिंट होगा. ठीक है, अब यहाँ पे देखो नंबर 33 दिया जो कि ऑड है, तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट ही नहीं हुई. द नंबर एज इज इवन, सिर्फ थैंक यू प्रिंट हुआ, राइट, कंडीशन की वजह से. उसके बाद दूसरा, इसमें हमने एक नंबर एंटर कराया, उसको चेक करा, अगर इवन है एल्स ऑड है. ठीक है, तो एल्स में आप कंडीशन नहीं लिखते, बाय डिफॉल्ट ही इसका अपोजिट ही होता है. तो यहाँ पे मैंने 44 लिखा, तो नंबर इज 44 इज इवन, उसके बाद थैंक यू. पर ऊपर वाले में कुछ नहीं आया था क्योंकि वो उसके अंदर कंडीशन ही नहीं गई थी, और ऊपर वाले में हमने ऐसी कंडीशन भी नहीं दी. अब यहाँ पे देखो इफ एलिफ एल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एंटर विंटर फॉर विंटर, समर फॉर समर, रेनी फॉर रेन. उसके बाद मैंने चेक किया, डबल इक्वल साइन चेक के लिए यूज होते हैं. सी, अगर सी क्या है आपका इनपुट, विंटर के इक्वल होगा, यू हैव एंटर विंटर. सी अगर समर के इक्वल होगा, यू हैव एंटर समर. सी अगर रेनी के इक्वल होगा, यू हैव एंटर रेनी. अदरवाइज एल्स मतलब डिफॉल्ट स्टेटमेंट, उनमें से कोई नहीं, एल्स रॉन्ग फॉर. ठीक है,
ये आपका आउटपुट आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट क्लास दे दिया तो रॉन्ग कोड आएगा, ठीक है, क्योंकि क्लास हमारे किसी भी ऑप्शंस में से नहीं था। तो बच्चों ये था आपका पाइथन रिव्यू, पाइथन। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। थैंक यू।